बाल संस्कार के केंद्र की सेवा मैं कई राज्यों में जाकर करता हूँ। तो कई राज्यों में हम जाते हैं जहाँ पर बच्चों को तो फ़ायदा होता है, लेकिन स्कूल के प्रधानाचार्य भी कहते हैं कि आप हमारे विद्यालय में बार बार आइए। और बाल संस्कार केंद्र में अभी भी यहाँ पे जो दिवाली पे अहमदाबाद में अनुष्ठान शिविर हो रहा है, अभी कई दिल्ली से 300 विद्यार्थी आए हैं, और उसमें से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बापूजी से दीक्षा नहीं ली है। और वो विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो बाल संस्कार केंद्र में आते थे, अब बाल संस्कार केंद्र में आने से दीक्षा नहीं ली है, लेकिन यहाँ पर आके वो माला कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे शिविरों में भेजें, ऐसे कार्यक्रम में भेजने से उनके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। अहमदाबाद दिवाली अनुष्ठान शिविर में विद्यार्थी आए हैं, उनके माता पिता को तो प्रणाम करता हूँ, लेकिन जो अभी आए नहीं हैं, इस बार नहीं पहुँचे हैं, वो अगली बार जब शिविर हो तो उसमें ज़रूर पहुँचें। और युवा जो हैं हमारे भारत देश के, इनको आगे आना चाहिए, इनको भी बाल संस्कार केंद्र की सेवा करके बच्चों को उन्नत करना चाहिए। 2001 में जब शुरुआत में मैंने बाल संस्कार शुरू किया तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे बाल संस्कार में आए, तो बाल संस्कार की शुरुआत से बच्चों को लगन लगी, बच्चों को लगा कि यहाँ पे हमें कुछ अलग मिल रहा है जो हमें स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाती, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगने लगा। फिर बच्चों की संख्या हमारे बाल संस्कार में बढ़ने लगी। प्रिंसिपल ने बोल दिया था कि आपके साल ये बच्चा अगर नहीं पास हुआ तो फेल कर देंगे इस बच्चे को। उस बच्चे ने जब यहाँ पे हमारे बाल संस्कार में आना शुरू किया तो उसने उसी साल वो पढ़ाई में अच्छे नंबर लाया और पास हो गया। उसके बाद से उस बच्चे की प्रगति होनी शुरू हो गई। आज उसकी माँ इतनी खुश होती है जब भी देखती, बोलती है कि मेरा बच्चा, अगर उसे ये बाल संस्कार ना मिलता तो शायद मेरा बच्चा सुधरता नहीं। उसके पिता जब भी मिलते हैं तो मुझे देखते बोलते बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप ऐसे क्यों बोलते हो, आपका बेटा है, आपका बेटा अच्छा काम कर रहा है, तो आपको ऐसा बोलते नहीं नहीं, अगर आपने वो बाल संस्कार नहीं खोला होता और मेरा बच्चा वहाँ से आपके बाल संस्कार में नहीं आता तो शायद वो संस्कार में कभी नहीं दे पाता। अनुष्ठान में बच्चों को आनंद आ रहा है, जब भी हम बच्चों को पूछते हैं कि आपको यहाँ पर कैसे, बच्चे बोलते बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा समय सार्थक हो रहा है और जब ध्यान बढ़ रहा है हमारा यहाँ पे, और ऐसा लगता है कि ऐसा माहौल हमको और कहीं नहीं मिलता। हर साल 25-30 बच्चे आते हैं फरीदाबाद से और पूरे हरियाणा से 170-180 बच्चे हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ भी शिविर में 6-7 हज़ार बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो बापू जी का जो संकल्प है विश्वगुरु का, वो संकल्प पूरा हो के रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं।